नमस्कार, अमरोहा टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। बढ़ते हैं खबरों की। बढ़ते पेट्रोल दामों को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। अमरोहा कलेक्ट्रेट गेट पर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल समेत महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आरएलडी ने सरकार के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आज महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा हमने दिया है, जिसमें जो किसानों का गन्ना बकाया भुगतान है वो ब्याज सहित तत्काल प्रभाव से दिया जाना चाहिए। दूसरा, जो बेरोजगारी आज बढ़ रही है बहुत ज़्यादा संख्या में, जितने भी रिक्त पद हैं वो सारे भरे जाने चाहिए। डीजल और पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों और आम जनों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डीजल पर सब्सिडी देकर किसान को तुरंत राहत देनी चाहिए सरकार को, और जो छोटे दुकानदार और व्यापारी हैं उन्हें कोरोना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ऐसे में उनके बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। कोरोना काल में लंबे वक्त से बंद स्कूलों को अब खोले जाने की मांग बुलंद होने लगी है। अमरोहा में मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन समिति ने स्कूलों को खोलने की मांग की है। विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर पहुंचे, जिसके बाद समिति ने सीएम के नाम डीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही लॉकडाउन के चलते कई महीनों से स्कूल बंद हैं, लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल बंद होने के चलते शिक्षकों को मानदेय देने में दिक्कत आ रही है, ऐसे में सरकार मानदेय की व्यवस्था करे और स्कूल में लॉकडाउन अवधि की बिजली बिल भी माफ करे। आज हम लोगों जो है मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक समिति के लोग जो है वो जिलाधिकारी महोदय से मिले और उनसे मिलकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है हम लोगों ने कि पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जो है वो लगभग 1.5 साल से बंद है, जिससे विद्यालयों के शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि जल्द से जल्द जो है वो मान्यता प्राप्त विद्यालय खोले जाए। इसके अलावा जो है वो हमने बच्चों का भी बहुत मतलब जो है वो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हमारी ये भी मांग है कि खोल लेंगे स्कूल तो बच्चे भी अपने जो है वो स्कूल में पढ़ाई करेंगे, बाकी विद्यालयों को क्षतिपूर्ति दी जाए। विद्यालय में जो इतने दिन से जो है बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत बिजली के बिल आ रहा है और स्कूल बंद पड़े हैं, तो हमारी ये भी मांग है कि जब से विद्यालय बंद है बिजली के बिल भी माफ़ किए जाए। तो हमारी इन सभी मांगों को लेकर आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, तो हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। अमरोहा में नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम बीके त्रिपाठी ने शपथ दिलाई। ललित तंवर ने संस्कृत भाषा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ता वहां मौजूद भी रहे। इस दौरान ललित तंवर ने कहा कि विलुप्त हो रही संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। जनपद पंचायत अध्यक्ष होने निर्वाचित अस्मि, ईश्वर से नामना शपे सत्य निष्ठाया प्रति जाने यत अहम विधिना स्थापितम भारत से संविधानम प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च धारयिष्ये, अहम भारत से प्रभुता अखंडताम च अक्षुण्णाम स्थापयिष्यामि तथा च अध्यक्ष रूपेण स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक। आज मैं सबका, जो हमारे जिले से लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां आकर अपना आशीर्वाद दिया जी। और दूसरा, हमारे पत्रकार बंधु जो यहां आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय निकाला और यहां पर उन्होंने भी आकर अपना आशीर्वाद और साथ। गजरौला पहुँचे DIG शलभ माथुर ने ब्रिजघाट चौकी का औचक निरीक्षण किया। DIG ने गजरौला कोतवाली का भी निरीक्षण किया। इस दौरान DIG के साथ ASP अजय प्रताप भी वहां मौजूद रहे। DIG शलभ माथुर ने इस दौरान गजरौला कोतवाली में अपराध रजिस्टर को देखा और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लोग गंगेश्वरी रहरा के गांव देहरी खादर में अचानक मकान की छत गिरने से गांव में हड़कंप मच गया। वहीं छत के गिरने से परिवार के 5 लोग इसकी चपेट में आ गए।
साथ ही 1 लाख से ज्यादा का नुकसान भी हुआ। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लेखपाल ने घटना स्थल का मुआयना किया, साथ ही परिवार वालों को सरकार की तरफ से राहत दिलाने की भी बात कही। अरे कुछ भी नहीं, अच्छी से अच्छी कहा सी, हमने मट्टी फट्टी डाली सी मेरे छत पर, तो गड्ढा सामने पर बारिश बारिश आएगी तो पानी टपकेगा, तो मैं बस डर गया और हम नीचे उतरे, मैं नल पे आई और मेरे बच्चे सब यहीं है, एकदम सब मैं करी एकदम सौरी छत गिर पड़ी नीचे, फिर से ना मेरे बच्चे सबरे दब गए जाई में। कितने जनों को चोट आई है? मेरे 5 बच्चे हैं, 4 के खूब चोट आई है, 1 मेरे के गुम चोट लगी है। एक बाहर ले गए? बाहर ले गए बिल्कुल, उसके तो क्या कहूँ मैं अब तुम्हें से, पता मेरे को लगभग कितने तक का नुकसान हो गया होगा? बतेरे का नुकसान हो गया। अमरोहा टीवी में आज के लिए बस इतना ही। अमरोहा की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए अमरोहा टीवी के साथ। नमस्कार।